शादियाबाद से रवि वर्मा सीनियर रिपोर्टर की रिपोर्ट। सभी धर्मों के लोग गंगा जमुना की तहजीब पर अपने घरों में मनाए त्योहार, प्रशासन का आदेश। खबर है गाजीपुर जिले के शादियाबाद थाना की, जहां पर प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का जुलूस निकालने के लिए किया गया मना और शादियाबाद थाने में हुई पीस कमेटी की बैठक में यह निर्देशित किया गया कि आने वाले दिनों में मुहर्रम व गणेश चतुर्दशी के मौके पर किसी भी प्रकार का आयोजन व जुलूस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा तथा दोनों समुदाय के लोगों से अपने अपने घरों में शांतिपूर्वक रूप से अपने अपने त्योहारों को मनाने के लिए कहा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश शर्मा आज आपको लेकर के आए हैं गाजीपुर जिले के शादियाबाद थाने में, और यहाँ पे आज पीस कमेटी की बैठक हुई है जिसमें जखनिया SDM सूरज यादव जी और CEO जखनिया CEO सिटी राजीव जी मौजूद थे, और इन लोगों के बीच में ताजियादार और गणेश पूजा कमेटी और तमाम दोनों पक्षों से तमाम लोग और सम्मानित जनता लोग मौजूद थे, जिनके बीच में फैसला किया गया कि दोनों पक्षों से ना ही गणेश चतुर्दशी और ना ही मुहर्रम में कोई जुलूस निकलेगा, ना ताजिया उठाई जाएगी और ना ही मूर्ति स्थापित की जाएगी, ना ही विसर्जन होगा और ना ही जुलूस होगा। सिर्फ और सिर्फ घर पे अपने फातिया करेंगे और घर पे अपने पूजा पाठ करेंगे, और दोनों को उम्मीद के साथ ये निवेदन भी किया गया है कि इस साल कोरोना महामारी के डर की वजह से अपने त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मना लीजिए, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अगले बार हमारी पूरी भारत के लोग एक साथ मिलकर के दोनों संप्रदायों से बिल्कुल अच्छे तरीके से सौहार्द तरीके से त्योहारों को मनाएंगे। आइए आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं यहाँ की। आप बगल मेरे उंगली के साइड में से जो वीडियो क्लिप चल रही है, इस वीडियो क्लिप में आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि CEO सिटी और SDM जखनिया मौजूद हैं और लोगों से ये उम्मीद जता रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि पूरे त्यौहार को दोनों पक्ष मिलजुल कर शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर में मनाएं, और आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम दिखाएंगे, खबरों से रूबरू कराएंगे। बस आप देखते रहिए अल्पायु एक्सप्रेस, सीनियर रिपोर्टर रवि वर्मा के साथ। धन्यवाद। किस चीज़ से हम लोग इससे बचा सकते हैं, पिछले दो दिन का रिजल्ट है कि अपने ज़िले में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। जो शासन की मंशा है और जो शासन के गाइडलाइन है, सब लोग एकदम स्पष्ट रहिए कि उसमें शादी तिथि के अनुसार जो शासन आदेश करता है उस चीज़ को हम लोगों ने बहुत सारे त्यौहार नवरात्रि हम लोगों ने निकाल दिए इसी कोरोना में। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो बताइए। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, ठीक जैसे पहले वो वैसे ही है, मतलब कोई नई चीज़ नहीं, जैसे पहले वो वैसे ही आप अपने साथ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो आप घर में कर सकते हैं अभी अथवा इसके अलावा कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, ठीक। जिले स्तर पर बता दें कि हम लोग दोबारा इसीलिए मीटिंग करेंगे और बता दें, क्योंकि हम लिखा पड़े में गाइडलाइंस आगे फिर से सबको बता दिया जाए। सर एक चीज है, हाँ बताइए, मुहर्रम कोई जाते हैं रोजे पसंद से तो बड़ी मजा है, बड़ी मजा और कुछ लोग जाते हैं पहलवान ताजिया जो आप प्रतीकात्मक बनाते हैं वो तो बनी में बनाएंगे तो फिर नौमाले पर रखी जाएगी, और ताजिया बनेगी रखी जाएगी फिर वो करवला जाएगी, तो वो तो संभव है ना।